रिकॉर्ड तोड़ा है, टूट गया है। भारतीय जनता पार्टी यहां 28 सीटें जीती है। उनसे खास बातचीत की हमारे उत्तर प्रदेश के ब्यूरो चीफ वीरेंद्र सिंह ने, आप भी सुनिए। स्वतंत्र देव सिंह प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, मध्य प्रदेश के वो बीजेपी के लोकसभा प्रभारी रहे। 6 महीने से घर परिवार छोड़कर रात दिन मध्य प्रदेश में आप रहे, रिजल्ट बहुत अनुकूल आया, कितनी उम्मीद नहीं थी लोगों को? देखिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी, जैसे क्लस्टर सम्मेलन है, ग्राम केंद्र के पालक संयोजकों का सम्मेलन है, बूथ का सम्मेलन है, युवा मोर्चा का सम्मेलन है, प्रबुद्ध वर्ग का सम्मेलन है, ओबीसी सम्मेलन है, अनुसूचित मोर्चा सम्मेलन है, आदिवासी सम्मेलन है, यानी संगठनों का जो सम्मेलन नीचे स्तर तक हुआ है उसका परिणाम आज हम लोग देख रहे हैं। नहीं, 29 में 28 सीट जीतना अपने आप में चमत्कार की तरह, क्योंकि इसका नेतृत्व माननीय मोदी जी कर रहे थे। मोदी जी की लोकप्रियता, उनके कार्यों की लोकप्रियता, उनके काम की लोकप्रियता, और आम गरीब जो आदिवासी है, जो दलित है, शोषित है, वंचित है, पिछड़ा है, और सामान्य वर्ग भी, लोगों के मन विश्वास जागा कि एक माननीय मोदी जी ऐसा नेता है जो देश को लूटने नहीं देगा। मोदी जी का नाम और आपके काम ने सिंधिया को भी वर्चस्व तोड़ दिया उनका। देखिए सिंधिया जी, वहाँ भी गुना में भी समस्त कार्यकर्ता और समस्त जातियों के लोग, यानी राष्ट्रवाद को वोट दिया है, मोदी जी को वोट दिया है, और एक तरफा वोटिंग किया माननीय शिवराज जी के द्वारा जो भी काम किया गया था, और इधर कांग्रेस की सरकार आने के बाद जो योजनाएं थे उसको, योजनाओं को बंद कर दिया। तो अच्छा, गठबंधन यूपी में जाति आधार पर बहुत मजबूत दिख रहा था, लेकिन अब लगता है कि मायावती का जो वोटर है वो काफी छिटक गए। माननीय अमित शाह जी जब प्रभारी बने उत्तर प्रदेश का, उन्होंने उत्तर प्रदेश का बहुत बड़े पैमाने पर प्रवास किया, और उत्तर प्रदेश में सभी जातियों ने विश्वास भी किया बीजेपी को, और जाति धन तंत्र, लाठी तंत्र, जाति तंत्र और मुस्लिम तुष्टिकरण का तंत्र ध्वस्त हो गया। 13 से ध्वस्त हुआ 14 से, और आज तक वो ध्वस्त हो गया। और माननीय मोदी जी के प्रति वाराणसी से चुनाव लड़ना, और एक विश्वास हुआ कि इस प्रकार के नेता कम मिलते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी से और मोदी जी भी जैसा नेता कम मिलते हैं, जो अपने परिवार के एक सदस्य को सरकारी गाड़ी में नहीं बैठा सकता है, सरकारी आवास में नहीं रख सकता है। तो इस प्रकार का देश के अंदर विश्व में कहां कोई मिलता है नेता इस प्रकार प्रधानमंत्री। अच्छा, एक आखिरी सवाल कि ये गठबंधन अगर बरकरार रहा तो इसे आप चुनौती मानते हो कि 2022 में विधानसभा में ये चुनौती पेश करेंगे? अब सभी पार्टी के लोगों को अपनी वर्किंग चेंज करना पड़ेगा, यानी भ्रष्टाचार से मुक्त होना। गरीब की अपेक्षा क्या है कि मेरा शोषण न हो, जो सरकार की योजनाएं मेरे तक आवे। अब उस योजनाओं का बीच में बंदरबांट कर लेंगे, भ्रष्ट नेता, भ्रष्ट अधिकारी, भ्रष्ट ठेकेदार मिलकर ये बंदरबांट कर लेंगे, तो अब इस प्रकार का सरकार जनता नहीं चाहती है। इसलिए ये लोगों को भी, जो भी पार्टियां हैं काम करना चाहती हैं, मतलब चाहे महागठबंधन हो चाहे गठबंधन हो, तो कुल मिलाकर इनको अब सोचना पड़ेगा, ईमानदारी के रास्ते पर चलना पड़ेगा, और ईमानदारी के रास्ते पर आगे बढ़ना है तभी ये कुछ कर पाएंगे, नहीं तो कुछ नहीं कर सकते। तो स्वतंत्र देव सिंह ईमानदारी की राजनीति से आज ऊपर तक आए हैं, और उन्होंने मेहनत के दम पर ये दिखाया है कि कुछ लोगों के लिए पद नहीं, उनका काम इतना बड़ा हो जाता है कि पद छोटे हो जाते हैं। वीरेंद्र सिंह, भारत समाचार, लखनऊ।